चलो, तो आप लोगों के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, एक समान आकृति का समूह बनाना है। आपके एग्जाम में कुछ ऐसी आकृतियां दे दी जाती हैं, यहाँ पे 9 आकृति दी गई हैं, और आपको इनमें से जो सेम टू सेम आकृति दिखाई दे रही है उनका ग्रुप बनाना होता है, समूह बनाना होता है। कैसे? 1 3 4, क्या 1 3 4 में कोई सेम सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है? पहले खुद ढूंढने की कोशिश करो। क्या 1 2 3 में कोई सिमिलैरिटी, समानता दिखाई दे रही है? ये ग्रुप है ना, मतलब 1 3 4 में कोई सेम टू सेम चीज है, 2 5 9 में कुछ सेम टू सेम है, 6 7 8 में कुछ सेम टू सेम है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी आप ढूंढने की कोशिश करो। 1 5 9 में कोई ग्रुप दिखाई दे रहा है, कुछ सिमिलैरिटी है क्या आकृति के अंदर? 3 7 8 में, तो चलो चेक करते हैं। पहले मैंने 1 3 4 वाली आकृति को देखा, ये पहली आकृति है, ये तीसरी आकृति है और ये चौथी। क्या इन तीनों में कुछ सिमिलैरिटी है, समानता है? एक सिमिलैरिटी तो दिख रही है। चलो आगे भी चलते हैं। अगर 1 3 4 में कोई सिमिलैरिटी आपको दिखी तो फिर चेक करो, क्या 2 5 9 में भी कोई समानता है? 2 5 9 में भी कोई समानता है नीले वालों में? दिख रहा है। आगे अगर ये भी मिल गया तो क्या 6 7 8 में कोई समानता है? 6 7 8 में कोई समानता है? अगर आपको इक्वालिटी, समानता इनके अंदर दिखाई दे रही है, मतलब सही पथ पे हो आप। कैसी समानताएं दिखाई दे रही हैं? तो अगर मैं पहली, तीसरी, चौथी आकृति को देखूं तो इन तीनों आकृति में तीन तीन लाइनों का इस्तेमाल कर रखा है। पहली आकृति को भी 1 2 3 तीन लाइन का इस्तेमाल करके बनाया गया, दूसरी आकृति 1 2 3 तीन लाइन का इस्तेमाल करके बनाया गया, चौथी आकृति 1 2 3, इन तीनों आकृति को तीन लाइन का या तीन रेखाओं का इस्तेमाल करके बनाया गया है। फिर चेक करा हमने नीले कलर वाली 2 5 9, तो अगर मैं 2 5 9 वाली आकृति में सिमिलैरिटी देखूं तो इनको 1 2 3 4 5 लाइन का इस्तेमाल करके बनाया गया है। पांचवी आकृति को पकड़ लो, 1 2 3 4 5, 5 लाइन का इस्तेमाल करके बनाया गया है। नौवीं आकृति को पकड़ लो, 1 2 3 4 5, इन सभी को 5 लाइन का इस्तेमाल करके बनाया गया है। फिर मैं 6 7 8 को देखती हूं, तो जब मैंने 6 7 8 आकृति को देखा तो इन सभी में 4 4 लाइन का इस्तेमाल है। 6 आकृति को देखो, 1 2 3 4, 4 लाइनें हैं। सातवीं आकृति में भी 1 2 3 4 लाइनें हैं। आठवीं आकृति में भी 1 2 3 4 लाइनें हैं। तो इन सभी को 4 लाइनों का इस्तेमाल करके बनाया गया है, और यही पता लगाना होता है इस क्वेश्चन के अंदर। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, एक समान आकृतियों का समूह, किसके अंदर दिखाई दिया? ऑप्शन ए में ही दिख गया, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑप्शन ए इसका 100% सही उत्तर होगा। क्लियर है? बढ़िया। अब इस वाले को करके बताओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सी सिमिलैरिटी आकृति के अंदर आपको दिखाई दे रही है? करिए जरा फटाफट से करके बताइए, इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बनाओ और बताओ, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर क्या हो सकता है? बनाइए जी और बताइए, क्या लग रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है? बना कुछ, बना कुछ, आ जाओ देखें सिमिलैरिटी। ऑप्शन ए को पकड़ा हमने, 1 4 7, चेक करो क्या 1 4 7 में कोई सिमिलैरिटी है? एक तली दे रखी है, ऊपर से ओपन भी है। अगर मैं लाइन काउंट करूं
तो एक कर्व दे रखा है। ओके, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, ओके ओके ठीक है। फिर दो, एक मिनट, एक का तो देख लिया हमने, दो छः नौ को देखो एक बार, दो छः नौ में कोई सिमिलैरिटी है? दो छः नौ तो सभी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तीन पाँच एक में सिमिलैरिटी है? तीन पाँच एक नहीं, ये भी अलग है। एक चार सात में सिमिलैरिटी एक दिखाई दे जाएगी, क्या दिखाई दे जाएगी? तीनों स्टोर करके, मतलब तीनों में एक तल है और एक ओपन सरफेस है, रखने की चीज है। ठीक है, आगे आ जाओ, फिर चेक करते हैं। दो पांच नौ में कोई सिमिलैरिटी है? या तो ऑप्शन ए होगा या तो सी होगा। तो दो पांच नौ में कोई सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है क्या? केटल, केतली तो सेम सेम सा है, मुझे नौ और पांच के अंदर तो कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, पर नौ पांच और आठ का रिलेशन दिखाई ज्यादा अच्छे से दे रहा है। ध्यान से देखो, नौ आठ और पांच को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर तीनों के सर्किल है और नीचे का बेस भी सेम टू सेम दिखाई देगा। पांच आठ नौ का पेयर बन रहा है, तो भैया पांच का दो नौ से तो पेयर नहीं बनेगा, पांच आठ नौ का पेयर बन रहा है, एक चार सात का पेयर बन रहा है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना? बढ़िया क्वेश्चन। फिर हमें दिखा दो तीन छ, पकड़ लो दो तीन छ को भी, तो क्या दो तीन छ में कोई रिलेशन है? हां जी, तलवा देखो इसका तला, यहां पे भी इसका तला दे रखा है ट्रेपीजियम टाइप शेप में, तीसरे में भी दे रखा है और छठे में भी दे रखा है। तो यहां पे आंसर आ जाएगा 147236589, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ग्रुपिंग करनी है सेम सेम एलिमेंट की, ग्रुपिंग करनी और बताना है कौन सा एलिमेंट सेम है। पहले चेक करा करो 147 जो दे रखा है, 147 में कोई रिलेशन है? आकृति की संख्या ही देख लो या कुछ भी देख लो। 258 में कोई सिमिलैरिटी है? 369 में कोई सिमिलैरिटी है? मिल गया आपको तो सॉरी, यहां डायरेक्टली नहीं मिल गया भाई, मैंने ऑप्शन पहले कोई पकड़ा 147, तो मैंने देखा 147 है सिमिलैरिटी। भैया 147 अगर मैं इन तीनों आकृति को ध्यान से देखूं तो इन तीनों आकृति में चार चार लाइन का इस्तेमाल किया गया है, ये क्वाड्रिलेटरल है। 147 ये क्वाड्रिलेटरल को दर्शाते हैं, चार लाइन वाली आकृति है। फिर मैंने यहां पे चेक किया दो पांच आठ, तो दो पांच आठ ये कौन सी इमेज है? टू डायमेंशन वाली, टू डी इमेज नहीं है ये सारी टू डी इमेज है आपकी। कौन दे रखा है? सिलेंडर की शेप दे रखी है, क्यूबॉइड दे रखा है। तो यहां पे मुझे दो पांच आठ में भी सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, टू डी इमेज दी हुई है ये मुझे, है ना? इसके बाद हमने चेक किया 369, तो 369 ये तीनों के तीनों हमें ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पे हमें सिमिलैरिटी मिल गई। ऑप्शन वन या ए ही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी इसमें। और एक क्वेश्चन और करो, फिर इसको भी करके बताओ। इस वाले क्वेश्चन को करिए, बताइए यहां पे ग्रुपिंग करनी है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ग्रुप बनाओ नौ की नौ आकृतियों का, बताइए कौन सा ग्रुप यहां पर सही दिखा रहा है, क्या होगा इसका आंसर, करके बताओ एक बार जल्दी से। बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ठीक है, इसको करके बताओ क्या बन रहा है।
ओ माय गॉड, अच्छा एक तो पेड़ डायरेक्ट बन रहा है ना, बाकी को ढूंढते हैं। बस मिल गया, बनाए। देखो अगर मैं वन, जो इसने पहला ही ऑप्शन रखा है 158, अगर मैं 158 को देखूं तो मुझे इनमें 158 इन तीनों आकृति में एक सर्किल भी दिखाई दे रहा है और एक ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है। पहली वाली आकृति में सर्किल ट्रायंगल दोनों है, ट्रायंगल कटा हुआ है, सर्किल ट्रायंगल दोनों है, दोनों ट्रायंगल कटा हुआ है, सर्किल ट्रायंगल दोनों है, ट्रायंगल कटा हुआ है, क्लियर। इसके बाद मैंने चेक किया बाकी में, 267 को देखो तो क्या 267 में कोई आकृति सेम है? 267 तो 2 और 7 तो सेम दिखाई दे रहे हैं, कोन के ऊपर, मतलब कोन बना रखा है इसने। लेकिन ऑप्शन सिक्स, ये सिक्स वाली आकृति अलग है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब 2 और 7 का तो पेयर बनेगा लेकिन सिक्स के साथ नहीं। 158 तो बन रहा है तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो डी होगा, और 2 का 7 के साथ तो पेयर है पर 6 नहीं आना चाहिए, तो यहां पे 2 7 के साथ 6 दे रखा है, ए नहीं हो सकता। 2 का 7 के साथ तो पेयर है पर 6 नहीं आना चाहिए, तो 4 देख लो क्या 4 से बन रहा है। तो भैया यहां पे भी कोन वाली शेप है, यहां पे भी कोन वाली शेप है, तो शेप तो बन रही है कौन सी, तो हो सकता है ये इमेज ने वही 2D 3D वाली दे रखी हो। इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे का भी चेक कर लो फिर, जब इतना कर ही लिया है तो। 369 में कोई पेयर बन रहा है, 369 में कोई पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लाइनें दे रखी है और उनको बीच में से बॉर्डर से काटा हुआ है, उस तरीके से आप पेयर इसका बना सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी हो सकता है, अगर आप दो ऑप्शन में परेशान हो जाओ कि आंसर क्या होगा, तो दोनों ऑप्शन में जो सबसे नजदीकी ऑप्शन आपको दिखाई देगा वही उत्तर होता है। बना या नहीं बना? डी आ तो गया सबका, क्लियर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ग्रुपिंग करिए, बताइए इसका भी यहां पर कौन सी ग्रुपिंग सही होगी, चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चेक करो। 1 2 3 में कोई रिलेशन है, 3 6 9 में कोई रिलेशन है, 5 6 9 में कोई रिलेशन है, 1 5 9 में कोई रिलेशन है। ओ माय गॉड, बनाइए जी क्या बन रहा है। बढ़िया क्वेश्चन बनाया कुछ, पहले मैं आपका देखूं फिर मैं बताती हूँ। बच्चा पढ़ लो, पढ़ने आए हो क्लास में, आपका एग्जाम इतने पास है, आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि आप बतिया सको। तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, 2 सर्किल 1 ट्राइंगल नहीं बन सकता। 3 6 9 में कोई सिमिलैरिटी है क्या? 3 6 9 2 सर्किल और 1 स्क्वायर नहीं बन सकता। 5 6 9 में सिमिलैरिटी है, 5 6 9 2 सर्किल और 1 स्क्वायर नहीं बन सकता, बचा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 1 5 9 में क्या सिमिलैरिटी है? तो 1 5 9 इन तीनों में सर्किल, सर्किल मतलब वृत्त का इस्तेमाल किया हुआ है। आगे 3 4 8, तो 3 4 और 8 में सर्किल को कट किया गया है 2 लाइन से, वृत्त को 2 लाइन से इंटरसेक्ट किया हुआ है, काटा हुआ है, क्लियर है। अच्छा इसके बाद देखो 2 6 7, तो 2 6 7 ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, ज्यामिति आकृतियां हैं, ये तीनों ज्योमेट्रिकल फिगर दे रखी हैं आपको, ठीक है, ट्राइंगल, स्क्वायर और पेंटागन, 5 भुजा वाला, तो यहां पे ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कर लेने हैं, चाहे वो ग्रुपिंग के क्वेश्चन पूछे या चाहे वो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और होते हैं, मुश्किल से आ जाएंगे एग्जाम में, बहुत ही मुश्किल है आना,
लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन उसके करवा देती हूं, ठीक है? एक दो क्वेश्चन आपके होते हैं, काफी मुश्किल है इनका एग्जाम में आना, बट फिर भी अगर आ जाते हैं तो आपको पता होने चाहिए कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं बिंदु वाले क्वेश्चन, डॉट सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन। कैसे? इनके क्वेश्चन आते हैं विकल्प आकृति ए बी सी और डी में उस आकृति का चयन करें जो डॉट के प्लेसमेंट की समान स्थिति को संतुष्ट करता है। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, ध्यान देना। आपको एक आकृति दी जाएगी जिसके अंदर डॉट लगा होगा, ये डॉट दिखाई दे रहा है। आपको बताना है जहां ये डॉट लगाए वैसा ही सिमिलर इन चारों में से कौन सी आकृति है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, करिए और बनाइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, या ऑप्शन डी हो जाएगा। कोशिश करो एक बार, नहीं तो मैं बताती हूं इसका तरीका, बेस्ट तरीका और बेस्ट तरीके से भी, ठीक है? बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे करते हैं फिर वो भी देखेंगे, बनता कैसे है फिर वो भी देखेंगे। बिंदु जहां पे लगा है हूबहू वही आकृति सिमिलर चारों में से किसमें दिखाई दे रही है। सबसे पहले चेक करो कि ये बिंदु लगा कहाँ है। बिंदु लगा है इस वाले क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र क्या है? तो बिंदु कहाँ लगा है? बिंदु स्क्वायर और ट्रायंगल के कॉमन एरिया में लगाया गया है। वर्ग और त्रिभुज की, वर्ग और त्रिभुज की जो कॉमन एरिया है, वर्ग और त्रिभुज के कॉमन एरिया में बिंदु लगाया हुआ है। तो मुझे ऐसा पार्ट फाइंड करना है या ऐसी आकृति ढूंढनी है जिसमें केवल वर्ग और त्रिभुज का ही कुछ हिस्सा कॉमन हो। मैं यहां पे लिख देती हूं जो बच्चे पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि उनको समझ में आ जाए। अब ऐसा विकल्प ढूंढें, अब ऐसा विकल्प देखें जिसमें केवल, अब ऐसा विकल्प देखें जिसमें केवल वो हिस्सा कॉमन दिखाई दे, जिसमें केवल वो हिस्सा कॉमन दिखाई दे, वो हिस्सा कॉमन दिखाई दे जो केवल त्रिभुज और वर्ग में आता हो, जो केवल त्रिभुज और वर्ग में आता हो। अब आपको इन ऑप्शन में से ढूंढना होता है। ऑप्शन सारे देखो, मुझे वो एरिया चाहिए जो त्रिभुज और वर्ग में है, केवल सर्किल में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए को देखा तो ये त्रिभुज है, अब मुझे केवल त्रिभुज देखना है और वर्ग देखना है। तो क्या मुझे कोई हिस्सा दिखाई दे रहा है जो त्रिभुज और वर्ग में है केवल? हाँ, ऑप्शन ए में दिखाई दे गया वो हिस्सा जो केवल त्रिभुज और वर्ग में है। आगे भी चेक कर लो, अब मुझे केवल त्रिभुज चेक करना है और वर्ग स्क्वायर चेक करना है। क्या ऑप्शन बी में कोई ऐसा हिस्सा दिखाई दिया जो केवल त्रिभुज और वर्ग में है? तो ऑप्शन बी में मुझे कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा जो केवल त्रिभुज और वर्ग में है, क्योंकि ये वाला हिस्सा त्रिभुज वर्ग और सर्किल में भी है। मुझे सर्किल नहीं चाहिए, केवल बिंदु है त्रिभुज और वर्ग के बीच में। ये वाला हिस्सा त्रिभुज और सर्किल के अंदर है, नहीं चाहिए। ये वाला हिस्सा केवल त्रिभुज में, ये भी नहीं चाहिए। बिंदु किस जगह है? जहां केवल ट्रायंगल और स्क्वायर हो, दोनों का कॉमन एरिया। ऑप्शन बी में ऐसा कोई एरिया नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन सी को पकड़ो, मुझे केवल चाहिए ट्रायंगल और स्क्वायर का कॉमन एरिया। तो क्या ऑप्शन सी में स्क्वायर का और ट्रायंगल का कॉमन एरिया है? कदापि नहीं। फिर मैंने ऑप्शन डी को चेक किया, मुझे चाहिए ट्रायंगल और स्क्वायर का कॉमन एरिया। तो क्या ऑप्शन डी में स्क्वायर का और ट्रायंगल का कॉमन एरिया है? कोई भी
नहीं है, केवल वो एरिया जो केवल ट्रायंगल में और स्क्वायर में आए, सर्किल में नहीं चाहिए भैया। तो ये वाला हिस्सा तो सर्किल में भी आ रखा है, ई ना हो सकेला। तो बिंदु से संबंधित या बिंदु से रिलेटेड मुझे केवल ऑप्शन ए दिखाई दिया, ए विल बी द राइट आंसर। अब आया समझ में? इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है काफी स्टूडेंट्स को, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन एफ कैट के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको मेंटली रीजनिंग के अंतर्गत रखा जाता है, आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए और हो सकता है ना भी आए। तो अगर आए तो भी आप तैयार हो, और ना आए तो तैयार ही हो। कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया था? एक क्वेश्चन करके बता दो, फिर इसी के साथ एंड करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। अब ये आपको करके बताना है, पहले बड़े ध्यान से इस बिंदु वाले क्षेत्र को देखना कि ये कहाँ कहाँ है, फिर चारों ऑप्शन को चेक करो किसके अंदर सिमिलर दिखाई दे रहा है। बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये सच में। करिए जरा जल्दी से और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताओ बताओ। कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा? करो जरा जल्दी से। इसमें काफी प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है राजकिशोर, सी जिसका आंसर आ रहा है सही है, बहुत सही है। आ जाओ चेक करते हैं। सबसे पहले बिंदु देखो कहां पे है, ये बिंदु किस एरिया में है। तो ये सर्किल में, सर्किल में और ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है, स्क्वायर में तो नहीं है ना। तो ये जो बिंदु वाला पोर्शन है हमें तो यही पता रखना है ना। तो ये जो पॉइंट दिखाई दिया बिंदु, ये मुझे कहां दिखाई दिया? सर्किल में और ट्रायंगल में, केवल सर्किल और ट्रायंगल में है। ये बिंदु कहां है? केवल सर्किल और ट्रायंगल का कॉमन एरिया है। ठीक है, किसमें है? तो वृत्त में और त्रिभुज में दिखाई दे रहा है। क्लियर है? इसका लेना देना नहीं है स्क्वायर से। क्लियर? अब बस इसी को ढूंढना है। अब मुझे क्या क्या चेक करना है? मुझे वृत्त और त्रिभुज चेक करना है, सर्किल और ट्रायंगल। तो मैंने यहां पे ऑप्शन ए में सर्किल और ट्रायंगल को चेक किया। क्या इन दोनों के कॉमन हिस्सा, कोई भी कॉमन हिस्सा दिखाई दे रहा है? नहीं, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। फिर मैंने बी के अंदर ट्रायंगल और सर्किल चेक किया, तो क्या ऑप्शन बी में मुझे कॉमन हिस्सा दिखाई दे रहा है जो केवल सर्किल और ट्रायंगल में आए? तो मुझे सर्किल और ट्रायंगल में जो हिस्सा कॉमन दिखाई दिया वो स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है, लेकिन हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें केवल वृत्त और त्रिभुज चाहिए। यहां पे स्क्वायर भी आ रहा है, ई ना हो सकेला। पकड़ो सी को। सी में हमें केवल सर्किल और त्रिभुज चेक करना है, केवल सर्किल और त्रिभुज। तो क्या कोई ऐसा हिस्सा कॉमन दिखाई दे रहा है जो केवल सर्किल और त्रिभुज में है? बिल्कुल। मुझे ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है कॉमन, जो केवल सर्किल और त्रिभुज में है, स्क्वायर में नहीं है। ये वाला हिस्सा जो केवल सर्किल और त्रिभुज में है, स्क्वायर में नहीं है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। चेक कर लो डी को भी। हमें केवल ट्रायंगल और सर्किल को चेक करना है। तो क्या ट्रायंगल और सर्किल का कोई ऐसा हिस्सा दिखाई दे रहा है जो केवल ट्रायंगल और सर्किल में कॉमन हो? तो मुझे ये हिस्सा दिखाई दिया, पर ये तो स्क्वायर में भी आ रहा है, वर्ग में भी आ रहा है। हमें वर्ग नहीं चाहिए, हमें केवल वो हिस्सा चाहिए था जो ट्रायंगल और सर्किल के बीच में था। आंसर आ गया ऑप्शन सी। समझ में आया? कैसा क्वेश्चन है? बढ़िया बढ़िया है। चलो अब इसका आंसर आपको करके बताना है, और इसी के साथ फिर मैं सेशन को एंड करती हूं। बच्चा ध्यान से समझोगे, मैंने पहले ही बोला है, तो डेफिनेटली समझ में आएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो आप समझ नहीं सकते, आपके अंदर बस लगन होनी चाहिए।
पॉइंट देखो कहां दे रखा है और सब में घुमा दो, बताना है इसके लिए कौन सी या ये आकृति इन चारों में से किसके अंदर दिखाई दे रही है, इसको बताना है अब आप सभी को, ठीक है।